आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, जिसे जो भी चाहते हैं बांटते हैं। है पाखरू पाखरू है पाखरू पाखरू। होली स्पिरिट को हमने ओबे करना, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि रूल कुछ कौन है। जब हमें ये पता चले कि होली स्पिरिट खुदा है, तो हम उसको उसी तरह से इज्जत दें जिस तरह से हम बाप की इज्जत करते, उसी तरह से हम यीशु मसीह बेटे की इज्जत करते, उसी तरह से हमें रूल कुद्दस की इज्जत करनी है। जिस तरह से हम बाप के साथ मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह से हमें रूल कुद्दस के साथ भी मोहब्बत रखनी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रूल कुद्दस जो है वो खुदा है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा बाप को जानें, इससे पहले कि आप खुदा बाप को जानें, आपको रूल कुद्दस को जानना होगा। अगर आप चाहते हैं आप खुदावन यीशु मसीह को जानें, आप खुदावन यीशु मसीह को देखें, तो आपको होली स्पिरिट को सुनना होगा, आपको होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप बनाना, आपको होली स्पिरिट को जानना होगा। जब आप होली स्पिरिट को जानेंगे, उसके बाद आप होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। जो बाप की बातों को आप पर जाहिर करता है, बाप की बातों को आप पर रिवील करता है, मुकाशफात को आप पर खोलता है, बिना होली स्पिरिट के आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। होली स्पिरिट जो है वो आपको बताता है आपको कहां पर क्या कहना है। होली स्पिरिट में आप दुआ कर सकते हैं, होली स्पिरिट में आप कलामे मुकद्दस को समझ सकते हैं, होली स्पिरिट में आप यीशु मसीह के जलाल को देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है होली स्पिरिट जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को जाहिर करता है, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप रखें, आप रफाकत रखें, खुदावंद यीशु मसीह के जैसे काम करें, आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप होली स्पिरिट को जानें। होली स्पिरिट खुदा है। पहला कुरंथियों 2:11 है, खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। खुदा का रूह ही खुदा की बातें जानता है, और खुदा का रूह खुदा की तह की बातें भी आप पर रिवील करता है। इसलिए इंतहाई जरूरी है आप खुदा पाकरू को जानें, क्योंकि अगर खुदा पाकरू को आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, ये नहीं जानेंगे कि वो खुदा है, वो बोलता है, वो जिसे चाहता है बांटता है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है, मुकद्दस मत्ती 10:20। फिर कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमारा उस्ताद होली स्पिरिट है, मुकद्दस यूहन्ना 14:26। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, वो मेरी गवाही देगा, मुकद्दस यूहन्ना 15:26। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, मुकद्दस यूहन्ना 16:14। जो होली स्पिरिट को नहीं जानते, या जिनके पास खुदा का पाकरू नहीं है, या खुदा का पाकरू में काम नहीं करता, खुदा का पाकरू कब नहीं काम करता, जब हम उसे इनवाइट नहीं करते, जब हम ये नहीं कहते होली स्पिरिट आप हमें लीड कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप को हम पर रिवील कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हम पर जाहिर कीजिए, जब तक आप कहेंगे नहीं होली स्पिरिट
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि होली स्पिरिट आप पर ये बातें जाहिर कर दे। बड़ी ही अतायत के साथ, अकीदत के साथ होली स्पिरिट को पुकारे, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो चाहता है कि हम होली स्पिरिट को इसी तरह से इज्जत दें जिस तरह से हम बाप को इज्जत देते हैं। होली स्पिरिट सिर्फ कुवत नहीं है, होली स्पिरिट खुदा है, होली स्पिरिट अपनी मर्जी रखता है, होली स्पिरिट जिसे चाहता है बांटता है, होली स्पिरिट की नेमते हैं, गिफ्ट्स हैं। अगर आप होली स्पिरिट के साथ रिलेशन बनाएंगे, होली स्पिरिट को जानेंगे, तो वो गिफ्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देखना चाहते हैं तो होली स्पिरिट से कहें, होली स्पिरिट खुदावंद यीशु मसीह का जलाल आप पर जाहिर कर सकता है। होली स्पिरिट ही है जो खुदा बाप तक रसाई रखते हैं, जिस तरह से बेटा बाप तक रसाई रखता है, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा मददगार दिया जो बाप तक रसाई रखता है, जो हमें मसीह यीशु में बाप तक लेकर जाता है, वो होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट ही हमें सब बातें बताता और बाप तक हमारी रसाई कराता है, वो है होली स्पिरिट। इसलिए इंतहाई जरूरी है हम होली स्पिरिट को समझें और जानें, ताकि हम रूहानी तौर पर बढ़ सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत।